दोस्तों आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग पीएससी, व्यापम, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आए हैं। एंटीवायरस से पूछे गए प्रश्न देखेंगे जो कि कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पीएससी, यूपीएससी, एसएससी जितने भी एग्जाम में हुए हैं, जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न हैं वो सब आपको कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, साथ ही एसआई भर्ती की एग्जाम 6 नवंबर को है। ठीक है, एसआई भर्ती की एग्जाम कब है? 6 नवंबर को है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। बाकी का और भी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, हॉस्टल वार्डन और एसआई भर्ती दोनों ही क्लासेस के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कि पिछले वर्षों में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले देखते हैं एंटीवायरस से पूछे गए प्रश्न। तो सबसे पहले नॉर्थन जो कि CHPCHCL में पूछा गया 2019 में, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर विद्युत विभाग में। उसके बाद पूछा गया मैकफी UPSC 2019 में पूछा गया है। उसके बाद क्विक हिल एवस्त अवेरिया ये दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 2020 में और 22 में, ठीक है, जो कि एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस से पूछे गए नाम आप सभी को करा दे रहा हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगर आप सबने यह वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जब भी अगर एग्जाम देने जाओ तो एक बार वीडियो को देख लेना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो एंटीवायरस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, जो कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है, ठीक है, 7 बजे की क्लास रहती है डेली, ठीक है, शाम 7 बजे की डेली क्लास रहती है। और गणित की क्लास कल से दोपहर 2 बजे किया जा रहा है, ठीक है, टाइम चेंज कर दिया गया है। और छात्रावास अधीक्षक में सामान्य ज्ञान और एसआई भर्ती के लिए सुबह 9 बजे की रहती है। ठीक है, इसके बाद आपका होगा अवीरा, ये दिल्ली पुलिस 2021 में पूछा गया है। उसके बाद MPAV, AV का मतलब होता है एंटीवायरस, ठीक है, NP का फुल फॉर्म होता है नेट प्रोटेक्टर, ठीक है, ये एंटीवायरस है जो कि CG व्यापम आ रही यानी कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया था। उसके बाद वाइपर है। उसके बाद ईपोर्ट है जो कि CG व्यापम में ETS 2017 में पूछा गया था। उसके बाद कॉस्पर स्काई CG व्यापम पटवारी 2017 में पूछा गया है। उसके बाद AVG ट्रेंड माइक्रो ये भी व्यापम में पूछा गया वर्ग 2019 में, ठीक है, इसके बाद देखने वाले हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका PDF पाने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका PDF पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आप सभी को पता होगा पहला आधिकारिक एंटीवायरस यानी कि द रैपर ये CG व्यापम SCA 2018 में पूछा गया। उसके बाद कमांडो ये CG व्यापम 2018 में पूछा गया। उसके बाद जोन अलार्म, वाई रोबोट, पांडा ये CGPSCL 2019 पूछा गया विद्युत विभाग में, ठीक है, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ था उसमें पूछा गया है। उसके बाद ये जितने भी है सब एंटीवायरस है, ठीक है, ये आपको PDF आपको मिल जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि व्यापम और PSC में पूछा गया है। ट्रेंड माइक्रो क्या है? ये ट्रेंड माइक्रो क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ट्रेंड वायरस क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ट्रेंड माइक्रो, ठीक है। इसके बाद है आपका उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को, मान लीजिए वो एक वायरस है, ठीक है, जो यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करता है और डाउनलोड करने का एक्टेशन करने का मूर्ख बना देता है, उसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स। आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलाने वाले वायरस को क्या कहते हैं? देखिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको फैलाने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? माइको वायरस कहा जाता है, ठीक है, माइको वायरस, ठीक है, ये माइको वायरस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ली हार्ड वायरस को कैसे अस्तित्व में आया यानी कि एक्टेंशियन में आता है, तो ये आपका हो जाएगा command.com, ठीक है, command.com, ये आपका ली हार्ड वायरस है वो कि अस्तित्व में एक्टेंशियन में आता है, ठीक है, command.com, ठीक है, व्यापम में पूछा गया है। इसके बाद आपका आ जाएगा कंप्यूटर में फैलने वाले वायरस क्या है, तो एक कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर कोड होता है, ठीक है, कंप्यूटर कोड होता है, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान की गलत बताकर, ठीक है, व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह का प्रयास किए जाते हैं, उसे फिशिंग स्कैम कहते हैं। 2019 में पूछा गया है, ठीक है, ये 2019 में पूछा गया है फिशिंग स्कैम, साथ ही देखिए हाल ही में जो हुआ था उसमें भी पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका ये भी एग्जाम में पूछ चुका है ये वाला,
देखिए यहाँ पर ये टाइम बॉम्ब होता है, कब होता है तो किसी विशेष डाटा के समय के दौरान होता है। पीएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये पीएससी के एग्जाम में पूछा है। उसके बाद कुछ वायरस के डिक्लेयर प्लेड होता है, ठीक है, ये कुछ वायरस हैं जो डिलेडेड होता है, प्लेलोड होता है, उसको क्या कहा जाता है, बॉम्ब कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, बॉम्ब, ठीक है। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, जो पहला बूट सेक्टर वायरस होता है वो ब्रेन होता है, कौन सा होता है, ब्रेन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, एसआई के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन। पहला कंप्यूटर वायरस यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का क्या नाम है, जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है उसका क्या नाम है, तो जल्दी बताइए, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस उसका नाम क्रीपर है, क्या है, क्रीपर, ठीक है, क्रीपर एक एंटी पहला कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये है पहला कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नेम क्या पूछा गया, तो क्रीपर आ जाएगा, ठीक है, क्रीपर। एक वायरस और एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम, यानी कि देखिए एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम के बीच अंतर, जो वायरस किस तरह का होता है, केवल एक ही प्रणाली पर खुद की प्रतिक्रियाँ बनाने के बजाय कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से प्रचालित या प्रचारित करता है, इसे सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वर्म कहा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है 2021 में, जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसमें वायरस पर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो पर जाएं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि एंटीवायरस क्या होता क्या है, तो एंटीवायरस आप सभी को पहले बताया था, जो एंटीवायरस होता है, ठीक है, जो एंटीवायरस होता है कंप्यूटर कोड होता है या प्रोग्राम होता है, ठीक है, कोड होता है या फिर कोड भी बोल सकते हैं इसको, या प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, आपका कंप्यूटर एक प्रोग्राम कोड है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर वायरस होता क्या है, तो आप सभी को बताया था कि जो स्वयं को दोहराता है, जो प्रोग्राम स्वयं को दोहराता है बार बार, उसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर वायरस बोला जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, आप सभी को मैंने जस्ट ही बताया था कि ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कंप्यूटर का खाली स्थान यानी कि एक मैलिशियस कोड को जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करता है या उसकी प्रतिकृति करता है या सेल्फ रिप्लेटिंग बनाता है, उसको वायरस कहते हैं, ये कि एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, आता ही है ये प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जो लोग साथ में कॉपी रखें जल्दी से नोट कर लीजिएगा, कंप्यूटर का एक वायरस होता है, ठीक है, माइलस कोड, ठीक है, माइलस या मैलिकाउस कोड कहते हैं, जो कि स्वयं को प्रोग्राम को कॉपी कर लेता है, ठीक है, ये आता है एग्जाम में। इसके बाद देखेंगे कि उनमें से कौन सा वायरस जो फैलाने का एक आदर्श तरीका है, इसको आइडिया वे कहते हैं, या वे नहीं है बोला गया, उसको नहीं है बोला गया, तो ये आपका हो जाएगा ऑफिशियल एंटीवायरस, यानी कि CDS एक होता है ना, CDS, ठीक है, CDS होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, जो CDS है उसका कंप्यूटर का उसका फुल फॉर्म आप इसके एप्लीकेशन, हाँ ठीक है, कमेंट में बताइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट में बताना आपको, ठीक है, या आपको सभी के लिए क्वेश्चन है, CDS होता क्या है, CDS होता क्या है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। एप्ली वायरस क्या है, जो एप्पल वायरस है, ठीक है, एप्पल वायरस किस में अस्तित्व में है, कौन से सन में आया है ये, तो आपको 1981 में आया है, ठीक है, 1981 में आया हुआ है। उसके बाद 1981 के जो मध्य में नाम के साथ एप्पल कंप्यूटर के लिए पहला वायरस अस्तित्व कब पाया, तो देखिए जो 1981 में तो पहला एप्पल वायरस आया था, ठीक है, एप्पल वायरस, ठीक है, AEEE एप्पल जो वायरस होता है आया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया एप्पल कंप्यूटर के लिए पहला वायरस, तो पहला वायरस कौन सा है, द्वितीय, एप्पल सेकेंड, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद है वायरस विभिन्न तरीकों से पता लगाने यानी कि डिलेक्ट यानी कि खुद को छुपाता है, हाइड कर देता है, उसको क्या बोला जाता है, जल्दी आप बताइए, उसको हाइड कर देता है, कितने में हाइड कर देता है,
दो में, तीन में, चार में, पांच में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, जो लोग या हॉस्टल वाड़ने की तैयारी करें या फिर एसआई भर्ती की तैयारी करें, ठीक है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वायरस विभिन्न तरीकों से पता लगाता है, डिलेक्ट करता है, खुद को छुपाता है, हाइड करता है, उसको कौन से नंबर पर आता है, ठीक है। दो में, तीन में, चार में, पाँच में आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वही बता सकते हैं, नहीं कर रहे हैं वो भी बताने का प्रयास करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या है? तो देखिए, ईमेल खोलने का, जैसे कि देखिए आप कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क के जो वायरस लाने के सबसे आम तरीका क्या होता है? ईमेल खोलने का। जैसे कि आप कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें हार्ड डिस्क खोलोगे तो उसमें क्या निकल के आएगा? सबसे पहले अगर ईमेल खोलोगे तब तो वायरस आ जाएगा, आराम से आएगा, है ना। ये आप सभी के लिए लास्ट 20 क्वेश्चन लाए थे, और जो मैं सबसे शुरू में बताया था एंटीवायरस, ठीक है, जो आप सभी को एंटीवायरस बताया था उसको तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पक्का याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। दो नंबर का एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लास चल रहा है। वही देखिए, ये वीडियो किसको दिखेगा? सिर्फ सब्सक्राइब किए हैं वही को दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार रहूँ, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो वीडियो नहीं दिखेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, जो लोग तैयारी करेंगे उसी को दिखेगा।